महादेव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आप सभी से अनुरोध है कि सभी लोग जो है आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं। तो जो है सबसे पहले तो यही क्वेश्चन उठता है कि ये यथार्थवाद का जो है प्रमुख प्रारंभ किसने किया था। तो सबसे पहले इसमें आएगा आपका आंसर दोमियो। क्या आएगा? दोमियो। अगर दोमियो नहीं है तो क्या आप लगाएंगे? आप कुर्बे। क्या लगाएंगे? कुर्बे। कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? ये फ्रांस में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इससे संबंधित मेन क्वेश्चन मेन पॉइंट है। अब आगे चलते हैं। तो आगे जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन यथार्थवादी चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध चित्रकार भी था? यानी कौन सा यथार्थवादी चित्रकार है जो चित्रकार होने के साथ साथ व्यंग चित्रकार भी था? तो दाउमीर, डेविड कुर्बे या गोया। तो वो थे दाउमीर। ठीक है, अब जो है इसके ये जो थे आपके क्या बोलते हैं दाउमीर, ये जो थे एक प्रिंट मेकर भी थे। क्या थे? प्रिंट मेकर भी थे। ठीक है, इसके साथ साथ और इसके साथ साथ इनकी एक प्रसिद्ध कृति है जिसका निर्माण है या एक रचना है दो वकील। और इसको बोल देते हैं टू लायर्स भी। ठीक है, और ये इनकी काफ़ी प्रसिद्ध कृति है। अगला क्वेश्चन है सेम जो मैं अभी बता रही थी आपको, दो वकील कृति किसकी है? अविन्द नाथ की, दोमियर की, एम एफ हुसैन की या इनमें से कोई नहीं? तो ये कृति जो है ये किसकी है? आपकी दोमियर की है या दोमियो की है। और ये जो आपकी कृति है दोमियो की, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है डीसी संग्रहालय वाशिंगटन में, वाशिंगटन में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीसरी श्रेणी का डिब्बा ये कृति इसके चित्रकार कौन है? तो दाउमियर है, माने हैं। तो इसके चित्रकार भी कौन है? दाउमियर है। और ये जो है मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय में स्थित है। किसमें स्थित है? मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय में। क्वेश्चन फोर है आपका, विकास भट्टाचार्य किस वाद में चित्रण किया है? तो इन्होंने अति यथार्थवाद, घनवाद या सोरियज्म या विव्यंजनावाद। तो इन्होंने किस में किया है? इन्होंने अति यथार्थवाद में किया है। कुछ चित्रण इन्होंने जो है आपका जो है यथार्थवाद में भी किया है। इन्होंने एक बनाई है, प्रसिद्ध है इनकी दुर्गा सीरीज। क्या बनाई है? दुर्गा सीरीज। और इन्होंने जो है एक है इनकी डोल यानी गुड़िया सीरीज भी है, और एक है ट्वेल का उद्घाटन। ये जो है इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कलाकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित है? स्वामीनाथन, विकास भट्टाचार्य, के एस कुलकर्णी, एम एफ हुसैन। तो कौन है? विकास भट्टाचार्य। और इन पर किसका प्रभाव था? इन पर जो था सलवर डाली का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? सलवर डाली। सलवर डाली का इन पर जो है काफ़ी गहरा प्रभाव था। जो कहाँ के थे? स्पेन के कलाकार थे। ये सलवर डाली कहाँ के थे? ये स्पेन के कलाकार थे। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो था सलवर डाली जो थे, इनका जन्म जो था ये हुआ था आपका 1904 में। कब हुआ था? 1904 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया था? अति यथार्थवादी, प्रभाववादी, घनवादी या यथार्थवादी। तो किस तरह के चित्रों का विकास किया था? तो अति यथार्थवादी। फ्रायड कौन है? ये भी एक मनोवैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन है आपका, द बर्निंग जिराफ के चित्रकार कौन है? तो इसका चित्रकार कौन है बर्निंग जिराफ के? सागाल हैं, क्ली हैं, डाली है या मंच है? तो कौन है? डाली है। एक इनका है पिघलती हुई घड़िया। ठीक है, ये भी इनका प्रमुख चित्र है। किसका? सल्वर डोल डाली का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका, अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्रायड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना
तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना है। माने ने, मातिस ने, पिकासो ने या डाली ने, तो ये किसने पहचाना है? सल्वाडोर डाली ने। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? स्पेन का जो था अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? तो सल्वर डाली था, रोसो था, एल ग्रेक्रो था या फ्रांसिसी बेकन था? तो कौन था? सल्वर डाली। इनका जन्म कब हुआ था? इस कहाँ हुआ था? स्पेन में। और स्पेन में जो था 1904 में जो था इनका जन्म हुआ था। किसका? सल्वर डाली का। और ये किससे, इनका एक चित्र कौन सा है? द बर्निंग जिराफ, पिघलती हुई घड़ियाँ, परसिटेंसल ऑफ मेमोरी, ये इनके जो है कुछ प्रमुख चित्र हैं। किसके? सल्वर डाली के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सल्वर डाली का, मतलब ये पूछ रहे हैं कि का चित्र कौन सा है? तो द परसेंटेंस ऑफ मेमोरी, स्टैचिंग वुमेन, इको ऑफ स्कीम या सुपर मेटिज्म कंपोजिशन? तो इनका जो चित्र है ये है द परसेंटेंस ऑफ मेमोरी। किसका है ये? सल्वर डाली का। अगला क्वेश्चन है आपसे, पूछ रहा है कि प्रमुख अति यथार्थवादी चित्रकार कौन है? पिकासो हैं, ब्राक हैं, वान गो हैं या सल्वर डाली हैं? तो कौन है? सल्वर डाली। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, सल्वर डाली जो है ये किस आंदोलन से संबंधित? तो अति यथार्थवाद, प्रतीकवाद, घनवाद या भविष्यवाद? तो ये अति यथार्थवाद से संभावित। देख सकते हैं आप ये हर क्वेश्चन हर ईयर में कितनी बार आया हुआ, तो सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। आगे है, सल्वाडोर डाली एक चित्रकार था, यानी किस तरह का चित्रकार था? यथार्थवाद तो आपको पहले ही पता ही, कैसे थे? अति यथार्थवादी चित्रकार थे। कैसे थे? अति यथार्थवादी। आगे है, परसिस्टेंस ऑफ प्लेजर किस चित्रकार का चित्र है? तो मैक्स अर्नस्ट का, सल्वर डाली का, मोगदिग्लियानी का या कंडेंसकी का? तो ये चित्र जो है ये यहाँ पर ये डाउट है, क्योंकि इनका कोई ऐसा चित्र नहीं है और ये परसेंटेंस ऑफ मेमोरी वाला है जो चित्र जो है सल्वर डाली का है। वैसे इस क्वेश्चन पर आयोग ने जो है स्टार दिया हुआ है, यानी ये क्वेश्चन जो था फाल्स कर दिया, यानी इसे गलत मान लिया गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, मेंटिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? MF हुसैन की है, सल्वर डाली की है, माने की है, पिकासो की है? तो ये है आपका सल्वर डाली की। इसे इसे बोलते हैं पिघलती हुई घड़ियाँ। अगर आपसे पूछे पिघलती हुई घड़ियाँ, हुई घड़ियाँ, तो ये भी जो चित्र किसका है, ये भी ये इसी का हिंदी रूपांतर है। तो कन्फ्यूज मत होगी होना कि अगर पिघलती हुई घड़ी आ जाए या मेल्टिंग वॉच आ जाए, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, ऑटोबायोग्राफी डायरी डायरी ऑफ ए जीनियस किसकी आत्मकथा है? यानी ये जो है किस कलाकार की आत्मकथा है? MF हुसैन की, सल्वाडोर डाली की, पाब्लो पिकासो की या वानगो की? तो ये जो है ये किसकी कृति है? ये है सल्वाडोर डाली की। और पाब्लो पिकासो ने किसका आविष्कार किया है? इन्होंने किया है घनवाद का। किसका आविष्कार किया है? घनवाद का। और इनका प्रसिद्ध चित्र है गवर्निका। कौन सा है? गवर्निका और अवनियों की सुंदरिया। और MF हुसैन, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका इनका जो 1915 में जन्म हुआ था सोलापुर में। और ये इनका प्रसिद्ध चित्र है जिसके पर काफी विवाद हो गया है, भारत माता का, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया? तो विकसित में अगर तो सही तरह से, यहाँ ब्रेतो, पिकासो, वान गो या सल्वर डाली? तो यहाँ आंसर इसका ब्रेतो है। लेकिन ब्रेतो ने जो था इसका क्या लिखा था? घोषणा पत्र। क्या लिखा था? घोषणा पत्र जो था वो इसने, पिकासो ने लिखा था, इसने पिकासो कह रही बेते ने लिखा था। किसका? इसका। और वैसे जो प्रारंभ जो हुआ था वो जो करा था आपका किसने? कुर्बे ने और दोमियों ने, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है, सल्वर डाली, मैक्स अर्नस्ट, आंद्रे मास्लो या जैक्सन पोलाक। तो ये जो है जैक्सन पोलाक जो है ये इसके कलाकार नहीं है, बल्कि ये कहाँ के कलाकार हैं, ये जो कलाकार हैं आपके ये हैं अमेरिका के, कहाँ के कलाकार हैं अमेरिका के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से फोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया था, सल्वर डाली ने, ईवे त्यागी ने, मैक्स अर्नस्ट ने या आंद्रे मास्लो ने। तो ये किया था मैक्स अर्नस्ट ने, किसने किया था, मैक्स अर्नस्ट ने। अगला क्वेश्चन है, यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन है, मातिस है, कुर्बे है, कोरो है या देगा है। तो इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन है, कुर्बे हैं। कौन है, कुर्बे। जो कुर्बे हैं इनका जन्म जो था 1819 में हुआ था, कब हुआ था, 1819 में, और इनकी कृति है पत्थर तोड़ने वाले, पत्थर तोड़ने वाले। और नाका दफन संस्कार, तोता और तरुणी, और तरुणी, और इनका प्रमुख चित्र है आपका स्नान मग्नाए युवतियाँ। क्या है, स्नान मग्नाए युवतियाँ। निम्नलिखित में से कौन भूदृश्य चित्रकार है, तो ये वाला क्वेश्चन है आपका, वर्मीर, दोमियो, कोरो या डेला क्रोइस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कोरो। क्या होगा, कोरो। ये जो कोरो हैं तो ये कहाँ के कलाकार हैं, ये जो हैं ये फ्रांस के कलाकार हैं। कहाँ के कलाकार हैं, फ्रांस के। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास समापन करती हूँ। आज का एक टॉपिक आपका जो था यथार्थवाद जो था वो, और अति यथार्थवाद और यथार्थवाद, वो दोनों जो हैं कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।